ये सब कलर, ये भी कलर चेंज करने के लिए, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल में तो वही ब्राइटनेस को घटाना बढ़ाना। तो इसको एक रिमोट फॉर्म में उन्होंने दे दिया है, और यहाँ पे आपको टच स्क्रीन तो दिया ही है, तो टच स्क्रीन का यूज तो कर ही सकते हैं। तो ये बेस्ट, ये भी हो गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी टाइम से मैंने नॉर्मल वीडियोस नहीं डाले हैं, ट्रेवल वीडियोस डालती गई हूँ, तो वही आप लोग देख रहे थे। लेकिन बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग थे जिसको मैंने अभी मतलब शूट भी नहीं किया था। कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे बट एडिट नहीं हो पाए थे। लेकिन आज बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए, और थोड़ा बहुत आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव भी लगेगा। तो मेरे हाथ में कुछ ऐसा है जो आप देख सकते, ये देख इतना बड़ा कुछ है। तो ये है मेरे साथ, मेरे सामने इतना बड़ा सा गिफ्ट, और प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगी अभी। तो ये कम से कम हो गया एक महीने से ऊपर हो गया, ये मेरे पास अभी पड़ा है। और मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली थी, क्योंकि थोड़ा सा इससे आप लोग को कुछ आइडिया भी लग जाएगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा आप लोग के लिए। तो इसलिए मैं इसकी वीडियोस बनाना चाह रही थी। अदरवाइज मैं इसको कब का ओपन करके यूज़ कर चुकी होती, बट मैंने इसको ओपन नहीं किया। तो थोड़ा सा खोल के बताने की, जब कोई चीज़ आप ऑर्डर करते हो, जब आपके सामने आती है तो फटाफट आप खोल के देख लेते हो, लेकिन प्रॉपर एक इसमें क्या है कैसे है वो सारी चीज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है। तो अभी चलते हैं इसको ओपन करके देखते हैं कि ये क्या है। तो गाइज, ये है पार्सल, इतना बड़ा आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा आपको थंबनेल टाइटल से तो पता चल ही क्या होगा, इसके इतना बड़ा मतलब इस पैकेट में क्या है। तो गाइज, ये है रिंग लाइट, और काफ़ी टाइम से मुझे रिंग लाइट बड़ी वाली चाहिए थी, बट लकली ये मुझे गिफ्ट में मिल गई है। तो ये मेरे YouTube में बहुत काम आने वाला है। इससे पहले मेरे पास जो रिंग लाइट है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जो मैं फिलहाल रिंग लाइट यूज़ कर रही हूँ, ये अभी यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा छोटा सा है तो बस थोड़ा बहुत काम कर जाता है। और आजकल मेरे रूम की ये वाली लाइट ख़राब हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा लाइट के साथ प्रॉब्लम है। तो इसके साथ ये वाला जो रिंग लाइट है ये बहुत ही बड़ा है, तो इसको ओपन करके पहले देखते हैं कैसा है क्या है। अब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि इसमें क्या है, और इसको मैंने यहाँ से ओपन करूँगी क्योंकि इसमें मेरा एड्रेस है। तो एड्रेस को थोड़ा साइड कर लीजिए, इसलिए मैंने इसको पहले ओपन कर लिया है। और अब देख सकते हैं इसके साथ क्या क्या हमें मिलेगा। ये थोड़ा सा ऐसा है, ये पैकेट मतलब अमेजन के पैकेट में आया था, और इसके साथ कुछ इस टाइप की चीज़ें भरी हुई थी। ये सब खाली पैकेट पड़े हुए हैं, और ये ऐसे ही एज इट इज आया था, कुछ भी नहीं चेंज नहीं था। ऊपर से मैंने पैकेट डाल रखे थे, और इसके साथ ये हमें मिला था। तो ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो यहाँ पे एक पैकेट में ये सारा कुछ सामान मिला हुआ है। तो रिंग लाइट के साथ हमें तीन मोबाइल होल्डर इसके साथ मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें एक एडाप्टर मिलता है। तो यहाँ पे एडाप्टर के साथ साथ ये देख सकते हैं, तीन मोबाइल होल्डर लगाने के लिए यहाँ पर जो पॉइंट बने होते हैं, वैसे तो सिंगल मिलता है, बट बड़ा आप ट्राईपॉड लेते हो तो साथ ही साथ आपको दो तीन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर तीन मिला हुआ, ये प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ इसके रिमोट मिला है, ये सबसे अच्छी बात है कि रिमोट इसके साथ मिली हुई है। और ये टाइगोट का रिंग लाइट है, और ये 18 इंच का है, तो देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा है, लाइट वेट में ही है, तो ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, ठीक ठाक जैसा होना चाहिए वैसा रिंग लाइट है ये। तो अच्छा है, मतलब देखने में भी अच्छा, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। आप देखते हैं कैसा लगा के इसका रिस्पॉन्स होता है। तो वो सारा कुछ पूरा का पूरा वीडियो में डिटेलिंग करी हुई है, कि एक एक चीज़ें मैंने इसको मतलब रिकॉर्ड करी है। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज, ये लाइट आप देख सकते हैं, अभी मैं इसको रिमूव करूंगी पहले, उसके बाद मैं इसको फिटिंग करके देखती हूँ इसमें होता है कि नहीं सही से। तो चलिए पहले इसको हम लगा लेते हैं, और पहले इसकी लाइट ऑफ करते हैं। ये मैंने यहाँ से निकाल दिया, और ऐसे ये रिमूव होता है, तो पहले इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसको लगाएंगे। इसको निकालने तो निकाल लिया मैंने, और अब मैं कैसे लगाऊंगी समझ नहीं आ रहा मुझे। तो आई थिंक करूँ मैं, समझ तो कुछ नहीं आ रहा मुझे कैसे लगाऊंगी, देखती हूँ। सो गाइस, फाइनली मतलब हर जगह मैंने YouTube पे भी देख लिया, और मतलब हर जगह सर्च कर लिया कि मैं इसको कैसे इसमें फिट करूँगी। और डिजिटेक वाला तो समझ में आ जा रहा था, बट इसका समझ में नहीं आ रहा था।
तो पूरा रिसर्च कर लिया, कहीं मुझे समझ में नहीं आया था। अब बस मैं इसको क्या कर रही थी, बस पैक कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि अब तो ये काम नहीं आएगा तो इसको एक्सचेंज ही करना पड़ेगा। बट फाइनली थोड़ा सा दिमाग मेरा काम आया, मैंने सोचा यहाँ पे ये जो बटन आप देख सकते हैं, ये देखो ये चीज जो लगा रखा है, ये मैंने सोचा ये किस लिए आखिर लगा रखा है ये चीज, आप ये इन्होंने ऐसे लगा के दिया हुआ है, देख सकते हैं ये चीज मैंने सोचा कि ये आखिर में क्यों लगाया हुआ है। तो इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको लूज किया, तो लूज करने पे क्या होता है, लूज करने पे ये ऐसा हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा लूज किया, तब दिमाग थोड़ा सा मैंने लगाया कि मैंने सोचा अगर मैं इसको लूज करती हूँ और इसको ऐसे करती हूँ तो ये प्रॉपर स्टैंड बन जाता है। और इसको फिर मैंने यहाँ पे लगा के देखा तो ये फाइनली लग गया था। तो चलिए मैं आप लोगों को लगा के दिखाती हूँ कैसे। तो ये इसको हम क्या करेंगे, ये वाला जो होल है यहाँ पे, इसको हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे ऐसे। ये इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि जो चीजें मैंने फेस करी अभी, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया था और शायद मैं इसको रिटर्न भी डाल देती और समझ में नहीं आया तो फिर क्या करते हम इसको रखते, क्योंकि जितने का ये होता इससे हाफ रेट का मुझे स्टैंड लेना पड़ता, इससे बेटर है कि दोनों साथ में ले लो, ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने अभी ड्राई किया है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देते हैं। और फाइनली ये काम कर गया है, तो इसको पूरा ऊपर ऐसे लगाएंगे हम। तो फाइनली ये लग गया, ठीक है। तो बस थोड़ा सा तो अब हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं ये प्रॉपर लग गया है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम टाइट कर देंगे, इसको इसलिए टाइट कर देंगे कि ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अरे ये तो नहीं हो रहा, तो देख सकते हैं ये हो गया टाइट, ठीक है। और अब ये लूज होगा नहीं तो ये गिरने का भी चांस नहीं होगा। पर हम इसको अगर हमें ऐसे डाउन करना होगा तो हमें इसको बस थोड़ा सा लूज करना होगा, ये डाउन हो जाएगा ऐसे। तो फाइनली ये इसमें फिट हो गया है और अब हम इसमें लगा लेते हैं। अभी ये वापस होने जा रहा था लेकिन फाइनली मतलब थोड़ा सा दिमाग चलाना ही पड़ता है इन सब चीज़ों में, तो काम आ जाता है। इसके साथ हमें ये मिले हैं तीन मोबाइल स्टैंड जो होता है, तो एक साथ हम तीन फोन लगा के उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक अगर हम वीडियोस बनाते हैं या फिर साथ साथ में रील्स बनाते हैं या फिर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, तो उनके लिए अगर दो तीन फोन आपके पास है तो आप चाहे तो दो तीन फोन लगा सकते हैं। तो दो तीन फोन तो नहीं लगाऊंगी मैं, एक या दो ही लगाऊंगी फिलहाल अभी। तो चलिए पहले इसको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लगाएंगे ऐसे, इसको यहाँ पे फिटिंग करनी होती है। ये हमने क्यों, अच्छा हाँ ये हो क्या। और इसको हमें क्या करना होता है, ये जो पोर्शन आप देखते हैं ये जो बॉल हेड है इसका, इसको इसमें फिट कर देना। ये लाइक ऐसे मुझे मिलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, अब ये जैसे ओपन करेंगे ये चीज इसमें फिट हो जाएगी और फिट होने के बाद हम इसको टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक स्टैंड के लिए तैयार हो गया और हम चाहें तो इसमें दो और लगा सकते हैं, बट हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें दो मिला हुआ है। ये कुछ ये बड़ा अच्छा है यार, अच्छा ये, ओ भाई साहब ये देखो कैसे मैं दिखाऊं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है और एक ही बस मैं लगाऊंगी, ये दो नहीं लगाऊंगी। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन मिल जाते हैं और चार जगह पे आप लगा सकते हैं, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है तो मैं फिलहाल एक ही लगा के दिखा दूंगी आप लोगों को। और आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, कई सारे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, एक तो ये ऐसा वाला है, ये तो आपको पता ही होगा जो नॉर्मल रिंग लाइट में रहता है वो ऐसा वाला ही है आपको। और यहाँ पे एक ये पॉइंट बना हुआ है, तो सारा कुछ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में दिखाऊंगी, बट इसकी लाइटिंग करके दिखाते पहले। और लाइट के लिए हमें इसमें दिया हुआ है, ये देख सकते हैं एडेप्टर दिया हुआ है। तो एडेप्टर हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इसमें, ठीक है अभी ये कनेक्ट हो गया। और अब हम क्या करेंगे इसको रिमोट लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये रिमोट इसका। ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि इसके साथ ये रिमोट मिलता है, तो आप कहीं बैठ के अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको कलर चेंज करना है, थीम चेंज करनी है आपको, तो येलो जैसे लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है, वो सब कुछ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको ऑन करते हैं। तो जो पैक था यार, इन लोगों ने सेल नहीं देते यार, 10 रुपए का सेल दे देना चाहिए कंपनी वालों, 10 रुपए का सेल तो दे दो।
सो गाइज अभी मैं नॉर्मल लाइट में हूँ, नॉर्मल तो लाइट नहीं है इस रूम में, बस थोड़े बहुत लाइट है और जो छोटा वाला मेरा रिंग लाइट है उसका रिफ्लेक्शन इतना दिख रहा है आपको। और अभी मैं इसकी लाइट ऑन करने वाली हूँ, तो ये मैं ऑन बटन प्रेस करती हूँ, तो ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा ब्राइटनेस आ गई है फेस पे और अच्छा खासा है, मतलब जैसे मुझे लग रहा था ये पता नहीं मतलब इसका कि कैसा इसकी ब्राइटनेस होगी, बट सबसे अच्छी बात ये हमारी ये लग रही है किसी रिमोट की, क्योंकि आजकल हर चीज हम चाहते हैं रिमोट वाले मिले ना, तो ये मतलब इसकी सबसे बेस्ट पार्ट ये मुझे लग रहा है रिमोट का, तो थोड़ी सी ब्राइटनेस एक्सपोजर इसमें ज्यादा हो जाता है जिस फोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। और इसमें ये देखो ये रेड वाला है, इसको देखते हैं क्या है ये। ओ तो ये वाला जो आपको बटन दिख रहा है जिसपे आपको स्टार बना हुआ है, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं लाइक इसका कलर चेंज करने के लिए, तो अभी तो ये वाला आया, फिर एकदम ये गोल्डन कलर में चेंज हो जाएगा। तो जैसे नॉर्मल तीन लाइट होते हैं डिजिटेक में या फिर टाइगोट का जो भी ब्रांड कह लो, तो जो मेरा पुराना वाला रिंग लाइट है उसमें भी तीन कलर होते हैं, इसमें भी तीन कलर है, तो अभी एक ये दिख रहा है, फिर ये है और फिर ये है, तो ये तीन काम चल गया। और ये किस लिए है ये भी मैं ट्राई करती हूँ। ओह अच्छा, तो यहाँ पे जो आपको सेंटर में दिख रहा है इससे हम क्या कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, लाइक मैं अभी बहुत ज्यादा करी हुई हूँ क्योंकि मुझे स्टार्टिंग इसका पता नहीं कि इसकी ब्राइटनेस कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं ये जो है इसमें जो बल्ब बना हुआ, तो यहाँ पर हम इसको दबाएंगे तो ये एकदम लो होता चला जाएगा, ठीक है, इसको हम इतना लो कर सकते हैं, ओके। और अब हम इसको ब्राइटनेस कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना हम ब्राइट कर सकते हैं, क्योंकि ओवर ब्राइटनेस भी अच्छा नहीं होता, फिर पूरा एक्सपोजर हो जाता है, तो यहाँ ब्राइटनेस इतनी ज्यादा, ठीक है, तो मैंने इसको फुल पे करा हुआ तो फुल पे ऐसा आ रहा है रिफ्लेक्शन, और एक सेकंड में आप लोगों को दिखाती हूँ, फुल पे इतना आ रहा है और लो पे करते हैं, तो ये लो का है, सबसे सबसे कम का हो गया। तो यहाँ पे कलर चेंज करने की बात आती है, तो यहाँ पे एक कलर तो हमारे ये हो जाता है एंड सेकंड ये हो जाता है और थर्ड ये हो जाता है, और मेरे रूम में बिल्कुल लाइट तो लाइट एकदम नाम मात्र की, चलिए मैं सारी लाइटें बंद कर देती हूँ, अब तो बिल्कुल भी लाइट नहीं जली, अब चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं जली, सिर्फ रिंग लाइट के जो रिफ्लेक्शन है उसी में मैं अपना फेस दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो ये हो गया, तो अभी लाइट जला देते हैं, ठीक है। तो गाइज बस ये था इसका छोटा मोटा रिव्यू, जितना मुझे समझ में आया मैंने आप लोगों को समझा दिया है, और जो भी इसके फंक्शन है वो सारा कुछ मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगी अभी फिर से। तो सो गाइज ये मेरा पुराना वाला ट्राईपॉड है और इस पे मैंने इसको रिंग लाइट स्टैंड है जिस पे मैंने अभी ये वाला पहले रिंग लाइट ये वाली लगाई हुई थी जो कि सेम ब्रांड की है, बट ये 10 इंच का था और ये मेरा 18 इंच का है, तो इसके साथ ये आपने देख ही लिया था कि इसमें दो और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं लगाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने इसको लगा रखा है और एक ही मैंने अभी लगाया है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आपको लगाने को दिया गया है जो कि कुछ इस टाइप का है ये, तो आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे ऐसे ये लग जाएगा, ये देखो ऐसे लग जाएगा, तो ये हो जाता है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने एडेप्टर का पॉइंटर बनाया हुआ है, तो एडेप्टर यहाँ पे लग जाता है और इसका पावर दिया है 45 वाट का है और DC एडेप्टर का, सारा कुछ इसमें मोड बना हुआ है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओ ये सबसे देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है ना, अभी वीडियो बनाते बनाते समझ में आ गई, यहाँ पे टच स्क्रीन भी है, ये मोड है, इसे चेंज कर सकते हैं, अगर आपका रिमोट खो जाता है तो टच स्क्रीन टाइप का कुछ है, तो यहाँ से ये ऑफ हो जाता है फिर ये ऑन हो जाता है, ये मोड चेंज हो जाता है, यहाँ से प्लस माइनस होता, तो ये कितनी अच्छी चीज़ है ना, टच स्क्रीन वाली बिल्कुल ये मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, ये टच स्क्रीन जैसा है। और ये देखो ये, तो ये देखने में आपको छोटा लग रहा है बट एक्चुअली में है बड़ा, क्योंकि ये मैंने वाइड एंगल करा हुआ है और ऐसे कुछ दिख रहा है, ये 18 इंच बहुत सफिशियंट होता है वीडियोस बनाने के लिए, अब थोड़ा ब्लर हो रही है अभी देख सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट इसका यही है कि टच स्क्रीन है, रिमोट खो जाए तो उससे भी काम कर सकते हैं, बाकी रिमोट वगैरह है तो रिमोट का जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो कुछ इस टाइप का है, तो रिमोट का ये बटन मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें ये बल्ब बना हुआ है, तो ये मतलब ये चारों पार्ट जितने भी बने हैं जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं बेसिकली आपको जो ये बल्ब बटन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके चारों बटन आपको इसकी ब्राइटनेस बढ़ाने घटाने के लिए हैं,
ऑन ऑफ से आप ऑन ऑफ कर लेंगे, ऑफ को भी क्लिक करेंगे तो भी ऑन ऑफ होगा, मतलब बस नाम मात्र का इसका रिमोट है। काम आपका ऐसा है कि आप इससे कहीं किसी भी बटन को यूज करके आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं, और कंट्रोल से भी इसको कंट्रोल कर सकते। कंट्रोल का मतलब होता है ब्राइटनेस कितनी आपको चाहिए, एंड सेक्शन वाले से क्या होता है कि कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। तो तीन यूजली रिंग लाइट में तीन ही कलर आते हैं, एक बहुत ज्यादा ब्राइट होता है और एक नॉर्मल व्हाइट होता है, एक येलो कलर में होता है। तो तीन कलर चेंज रहते हैं, अभी नॉर्मल मैंने कर दिया है। सो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आप लोग को अपने तरीके से समझा दिया है, नॉर्मल कोई टेक्निकल वीडियो नहीं है, तो इस तरीके से मैंने समझा दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो समझ में मतलब होता है कि हम किस टाइप की रिंग लाइट लें जो हमारे बजट में भी हो और अच्छा भी रहे हमारे लिए। तो ये चीज मुझे इसलिए अच्छी लग रही है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ बैठ के चैलेंजिंग वीडियोस बनाते हैं या फिर कुछ बैठ के बोल रहे होते हैं, और हमें बार बार जैसे ब्राइटनेस कभी ज्यादा एक्सपोजर की जरूरत है, कभी कभी कम होती है, तो हम ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए यहाँ पे आते हैं। इससे बेटर है कि हम बैठे बैठे अपनी ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट है इसका है। तो फाइनली ये चीजें कंप्लीट हो गई। सो गाइस, अभी रात के 10:30 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से बैठी हुई थी और ये पैकेट आया था, बहुत टाइम हो गया, 20-25 दिन से ऊपर हो गया है, और तब से मैंने सोचा था कि इसकी वीडियो बनाऊंगी। जब बनाऊंगी मैं पूरा फ्री रहूंगी और सब कुछ इसका सेटअप तैयार कर सकती हूँ तभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि इसमें क्या आता है ना कि लाइट का थोड़ा सा डेलिकेट चीजें रहती है ना, कि इसको निकाल के लगा लो तभी बेटर रहता है, नहीं तो आप इधर उधर रख दो तो टूटने फूटने के चांसेस रहते हैं, और स्टैंड में रहता है तो टूटने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि मैं इसको उठा के अपने पूजा वाले रूम में रख देती हूँ, वहां पे सेफ रहता है। तो इसलिए मैं अभी तक इसको मतलब वीडियो नहीं बनाया, तब देख सकते बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और रात का टाइम हो रखा है, लाइट तो बहुत खराब हो रखी है, तो मैं लाइट चेंज करवाऊंगी जल्दी ही। तो कैसी लाइटिंग आ रही है आप लोग बताना मुझे, क्योंकि ये देखो मतलब बंद करने जो लाइट आ रही है सिर्फ इसकी वजह से लाइट देखो, हाँ बस एक लाइट जलाई मैंने इसकी और ब्राइटनेस चेहरे पे आ गई है। तो अभी बात करते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि ये गिफ्ट है, बट ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही यूट्यूब की तरफ से मुझे आया है, ये एक्चुअली मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट करा हुआ था, बट ये पड़ा हुआ था, तो मैंने मतलब सोचा था कि प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी तो उनको भी दिखा दूंगी कैसा है क्या है गिफ्ट मेरा। तो ये मेरा राखी का गिफ्ट था, और राखी रक्षाबंधन के टाइम में ही आ गया था, बट अभी तक मैंने इसको ओपन अप नहीं किया था, तो अभी तक मुझे कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं मिला, ना ही यूट्यूब ने मुझे भेजा है, तो मेरे फैमिली मेंबर ने ही मुझे भेजा है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक बिल्कुल करिएगा, और अपने जितने भी यूट्यूब फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके, थोड़ा सा उनके लिए यूजफुल हो सके। और होता है कि हम कहीं भी कुछ भी खरीदते हैं ना, तो 50 बार हर जगह सर्च करते हैं कि थोड़ा सा अंडर बजट में ही चीजें रहें और अच्छी चीजें मिल जाए, तो उस हिसाब से मैं इसको आप लोगों को बोलूंगी खरीद सकते हो, मतलब बेस्ट है, खरीद सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।